हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय मैथ पीरियड। टुडेज वी हैव गोइंग ऑन चैप्टर टेस्ट। ओके, इन चैप्टर फोर सब्ट्रैक्शन चैप्टर में मैंने आपको यहाँ तक कल सॉल्व करके बताया था। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं, ये सभी मैंने आपको होमवर्क दिया था तो भी हम आज हम चेक करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए सिक्स नंबर, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 4,540 एंड 4,189 फ्रॉम द सम ऑफ 7,190 एंड 2,800। ओके, अभी इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व किया होगा देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम। ओके, सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करना है और इन दोनों का एडिशन करना है। ओके, और एडिशन करने के बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4,540 प्लस 4,189, 0 प्लस 9 9, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 5 प्लस 2 7, ओके 5 प्लस 2 7, देन 4 प्लस 4 8, 8,729। ओके, सेकेंड नंबर देख लेते हैं, तो 7,190 देन प्लस 2,800, ओके 0 9 9 एंड 9, ओके तो 9,990। ओके, जिस तरीके से हमने सिंप्लीफाई में देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, ओके तो यही है। तो सबसे पहले देखिए 9,990 लिखा है, सब्ट्रैक्ट 8,729, सब्ट्रैक्ट कीजिए। ओके, 110 हमने बोरो किया, 110 बोरो करने के बाद रिटर्न भी करना है, 9 माइनस 1 8, 10 माइनस 9 1 एंड 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 7 2 एंड 9 माइनस 8 1, ओके 1,261। तो ये हुआ उसका आंसर। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं सेवन नंबर। सेवन नंबर में देखिए, राइट द नंबर ग्रेटर देन 4,325 यूजिंग द डिजिट्स 1803। द नंबर शुड हैव जीरो एट द हंड्रेड प्लेस। ओके, देन सब्ट्रैक्ट 4,325 फ्रॉम दैट नंबर, व्हाट इज द रिजल्ट। ओके, क्या कहा गया है कि राइट अ नंबर ग्रेटर देन, ओके राइट द नंबर इन ग्रेटर देन 4,325 यूजिंग द डिजिट्स। ओके, इन डिजिट्स का यूज करके आपको क्या करना है, ग्रेटर नंबर फॉर्म करना है 4,325 से। ओके, और कंडीशन क्या बताई कि द नंबर शुड हैव जीरो एट द हंड्रेड प्लेस। ओके, जीरो हंड्रेड प्लेस में होना चाहिए ये नंबर, यहाँ से जीरो जो है वो हंड्रेड प्लेस में होना चाहिए और इस नंबर से ग्रेटर नंबर आपको क्रिएट करना आना चाहिए। ओके, अगर हम देखते हैं तो ग्रेटर नंबर, इस नंबर से ग्रेटर नंबर किस तरीके से क्रिएट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए फोर डिजिट है तो 1,000, 100, 10s and 1s। ओके, हंड्रेड प्लेस में क्या बताया गया है, जीरो आना चाहिए। ओके, तो 1,000 प्लेस में आपका ग्रेटर नंबर क्या है, तो 8 है। ओके, मतलब 8,031 अगर हम लिखते हैं तो 8,031 ये ग्रेटर नंबर हो जाएगा। ओके, 8,031 ये ग्रेटर नंबर हो गया कि स्टूडेंट्स आपको बताया गया है 4,325 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए। ओके, एक तो 8,031 होता है और एक होता है 8,013। ओके, मतलब इस नंबर से ग्रेटर नंबर ये भी होता है और ये भी होता है। ओके, आप में वैरी है यहाँ पे, ये कंफ्यूजन वाला है थोड़ा, तो आप इस नंबर का यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर इस नंबर का भी यूज कर सकते, में वैरी है मतलब हम जिस तरीके से लेंगे। ओके, तो 8,013 देन 4,325। सो 3 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, 110 इज बोरो, मेक नंबर 13 एंड 13 माइनस 5 8, रिटर्न 1 माइनस 1 0, देन 110 इज बोरो, मेक नंबर 10, 10 माइनस 2 8। ओके, देन दिस इज
नाइन, नाइन माइनस थ्री सिक्स, ओके नाइन माइनस थ्री सिक्स, देन रिटर्न एट माइनस वन सेवन एंड सेवन माइनस फोर थ्री, ओके 3688 आपका आंसर रहेगा। उसके बाद देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके द सम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई इज 5392। इफ द नंबर एक्स इज 2488, ओके द नंबर वाई इज, तो आपको एक्स की वैल्यू बताई गई है, ओके और दोनों का सम बताया गया है। दोनों का सम क्या है, ओके दोनों का सम अगर हम देखते हैं तो दोनों का सम है 5392, ओके द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स 5392, ओके देन एक्स इज 2488, ओके इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वाई मिल जाएगा यहाँ पे, ओके मीन्स फर्स्ट नंबर आपको दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है आपको, सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है, एक्स दिया है आपको, वाई को फाइंड आउट करना है, ओके सो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो 12 माइनस 8 4, रिटर्न 9 माइनस 1 8 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, सो 1 इज बोरो, ओके देन 13 माइनस 4 9, देन रिटर्न 5 माइनस 1 4 4 माइनस 2 2, ओके 2904 ये आपका वाई हो गया, ओके इन दोनों को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो 5392 सम आना चाहिए, ओके तो देखिए 2488 प्लस 2904, सो 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 9 13, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, ओके 5392, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, मतलब आपको क्या मिला है 2904, तो 2904 कहाँ पे देखिए 2904 आपको यहाँ पे मिल गया, ओके आप इसको क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। उसके बाद है नैना हैज रुपीज 8965 इन हर अकाउंट, ओके नैना के अकाउंट में कितने रुपए हैं, 8965 रुपीज इन हर अकाउंट, शी पेज मतलब उसने किसी को पेज किया है रुपीज 5670 एज अ रेंट, ओके मतलब जिस घर में वो रहती है उस घर का हाउस का रेंट उसने पेड किया है वो है 5670, देन हाउ मच मनी इफ लेफ्ट इन हर अकाउंट, ओके तो इतने रुपए रूम रेंट देने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं, ओके हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर अकाउंट, इसके अकाउंट में कितने रुपए अभी बचे हैं ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके तो क्या करना है 8965 माइनस 5670, ओके 8965 माइनस 5670, ओके 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, सो 110 इज बोरो, मेक नंबर 16 16 माइनस 7 9, ओके रिटर्न 9 माइनस 1 8 8 माइनस 6 2 एंड 8 माइनस 5 3, ओके 3295 रुपीज लेफ्ट इन हर अकाउंट, ओके 3295, ओके 3295, देन सचिन स्कोर्ड 1897 रन्स इन अ ईयर वाइल सौरव स्कोर्ड 1295 रन्स, देन हु स्कोर्ड मोर रन्स एंड बाय हाउ मच, ओके अभी यहाँ पे बताया गया है सचिन ने वन ईयर में रन स्कोर किया है वो है 1897, ओके एंड सौरव स्कोर्ड 1295, ओके मतलब हु स्कोर्ड मोर रन्स मतलब सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए और कितने बनाए ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके तो हम देखते हैं तो 1897 एंड 1295 द 1897 इज अ ग्रेटर नंबर, ओके तो यू कैन राइट नाउ 1897 सब्ट्रैक्ट सौरव रन्स 1000
295, ओके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 2 6, ओके 1 माइनस 1 0, सो 602 मोर, ओके 602 मोर, मतलब किसके ज़्यादा रन, किसके रन ज़्यादा है, सचिन, ओके सचिन के रन जो है वो सबसे ज़्यादा है, और कितने हैं तो 602 रन्स, ओके 602 रन्स मोर, तो 600 सचिन, ओके 602 सचिन, देखिए 602 सचिन के रन ज़्यादा है। व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट फॉर 834 सब्ट्रैक्ट 226, ओके 834, ओके बेस्ट एस्टिमेट क्या होगा, देखिए 834 सब्ट्रैक्ट 226, ओके सो दिस इज 800 बिकॉज द 3, देन 226, दिस इज 200, सब्ट्रैक्ट लाइक दैट 600, ओके तो 600 आपको यहाँ पे दिया गया, 600, ओके तो ये हो गया। यही मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, ये आज मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेंटल मैथ्स है, ओके मेंटल मैथ्स में देखिए फिल इन द बॉक्सेस, ओके 60 माइनस 40 इजीली है, 0 माइनस 0 0 एंड 6 माइनस 4 2, ओके मतलब 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20, तो वहां पे आपको लिखना है 20। टेक अवे 81 फ्रॉम 10 tens, ओके टेक अवे 81 फ्रॉम 10 tens, ओके ओके 81 है, ये 81 है, ओके 81 मतलब 8 tens, 10 tens होने के लिए कितने वंस और लगेंगे, 20, ओके मतलब 10 tens, 10 tens मीन्स 100, ओके 81 मतलब 80, तो 0, 10 माइनस 8 2, 1 माइनस 1 0, ओके दैट इज 20, तो 21 टेक अवे, ओके 21 टेक अवे टू 10 tens, ओके तो यहाँ पे आएगा 20। सब्ट्रैक्ट 2600 फ्रॉम 8300, ओके 2600 आपको पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट 2600 फ्रॉम 8300, ओके 8300 में से आपको 2600 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके बताना है, 2600 मतलब क्या होगा, 2600, ओके 2600 तो क्या हो गया 26, ओके 2600 2600 देन माइनस 8300 है, सो 8300, ओके 0 0, 13 माइनस 6 7, ओके देन रिटर्न 8 माइनस 1 7, देन 7 माइनस 2 5, ओके सो 5700, 2600 मतलब 2600 एंड 8300, ओके 8300 देख सकते हैं, 2600 2600, ओके देन 8300, 8300 माइनस 2600, सो इज इक्वल टू 5700, देन 700 लेस देन 999, ओके 700 लेस देन 999, बहुत ही सिंपल है, ओके 700 लेस देन 999, सो 999 माइनस 700, ओके सो 9 9 एंड 9 माइनस 7 2, 299, ओके
और अगर हम देखते हैं उसके बाद थ्री नंबर, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, ओके। और ये क्वेश्चन ये आपके लिए मैं होमवर्क और क्लास वर्क दे रहा हूँ, ओके। अभी 15 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो आपको ये क्लास वर्क में भी सॉल्व करना है और बचे हुए एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, ओके। तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, सी यू टुमारो।